हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग में हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से शुरू करते हैं। कल मैंने बताया था, जब मैंने सिलेबस बताया था तो लास्ट में मैंने ये बताया था कि आप लोग याद कर लीजिएगा क्या अल्फाबेट, उसका क्रम और उसका उसका मतलब कि किस क्रम पे आता है, उसका विपरीत क्या है, याद कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा। नहीं भी याद किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देखते चलते हैं, समझते चलते हैं, सब कुछ बहुत ही आसानी से ट्रिक के द्वारा हम लोग समझ लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज इसी की क्लास होने वाली है कि कौन सा अक्षर किस अंक पे आता है, कौन सा किसका विपरीत होता है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से हम लोग सब कुछ ए टू जेड समझने की कोशिश करेंगे, ए टू जेड। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका क्रम लिख लेते हैं और इसका क्रम लिखने के बाद हम लोग इसको जानते हैं कि इसका क्रम क्या होता है। I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये कुल होता है, कितना नंबर होता है? 26। अल्फाबेट कितना होता है? पूरा 26 होता है। ये 26 क्या होता है? ये 26 ए से लेकर के जेड तक कितनी संख्याएं होती हैं? 26 होती हैं। ठीक है, अब इसके क्रम की बात करें तो ए आता है नंबर 1 पे, सभी को मालूम होगा। बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, एफ आता है 6 पे, जी आता है 7 पे, एच आता है 8 पे, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, भी 22, डब्लू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं ट्रिक के माध्यम से कि कैसे इसको याद करेंगे। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है बस ध्यान से देखिए, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोगों को इसको याद करना है, समझना है, देखना है, सुनना है। देखिए, कुछ संख्याएं तो आप लोगों को याद होंगी, जैसे शुरू की ले लीजिए, 5 संख्याएं तो ये मतलब 5 अक्षर तो ये आप लोगों को याद ही होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मतलब कभी भी किसी से नींद में भी पूछ लिया जाए तो इतना तो 5 तो मालूम ही मालूम होगा जितना कह दें। ठीक है, मतलब ऊपर से 5 ए बी सी डी ई एफ जी एच। 6 से हम लोग देखते हैं 6 से क्या होता है, 5 सबको मालूम होगा, जो कह देगा कि नहीं मालूम है बहुत मार खाएगा, 5 सबको मालूम होगा। आइए देखिए, 6 ये एफ है, F को ये ऐसे F है, अगर हम इसको मिला दें तो ये किसके तरह नजर आ रहा है? 6 के तरीके नजर आ रहा है। तो F से मालूम चल गया क्या कि ये कितने पे आता है? 6 पे आता है। ठीक है, G7 की बैठक अभी देखिएगा हुई थी, तो G7 G को बड़े ध्यान से देखिएगा, G कैसे है? ऐसे है, G में ऐसे कर दिया जाए ये क्या हो जाएगा? 7 बन जाएगा। तो G से क्या हो गया? 7 हो गया। तो G कहीं भी आए हमको क्या मालूम करना है, क्या हमको दिमाग में आ जाना चाहिए? 7 है। H को देखिए बड़े ध्यान से, H में क्या नजर आ रहा है? इसको अगर ऊपर से मिला दें, इसको अगर नीचे से मिला दें तो 8 नजर आ रहा है। तो H से हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, आई देखिए ऐसे है, अगर हम ऐसे कर दें तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, जे होता है 10। अभी एक और ट्रिक है, ये तो केवल सिंपल सिंपल है, 11 के ऐसे है, अगर ऐसे करके ऐसे कर दिया जाए दो ही डिजिट को तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। एल होता है 12 पे, एम होता है 13 पे, एम आधे पे आता है, शुरुआत कहां से होता है? ए से होता है, खत्म कहां पे होता है? जेड पे होता है, 26 पे होता है, आधा कहां पे आता है? एम पे आता है, 13 पे होता है,
एम से फिर 14 से शुरुआत होता है, इधर हाफ 13 का अंतिम हो जाता है, ठीक, T20 हो गया। अब एक और ट्रिक होता है, अब उसको समझने की कोशिश करिएगा। ई ज्योति का क्या मतलब हुआ, ये समझने की कोशिश करिए। ई आता है कितने पे, 5 पे। जे आता है कितने पे, 10 पे। ओ 15, टी 20, वाई 25, ठीक है। ये 5 संख्याएं याद है, मालूम है, तो हम इसके आगे और पीछे का ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी आ गया, मान लीजिए कि एल आ गया, ठीक है। अगर जे मालूम है कि जे 10 पे है, तो उसके आगे हम पढ़ देंगे जे के एल, यानी 10 2 12, ठीक है। तो ये ई ज्योति हम लोगों को याद होना चाहिए। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। जे कितने पे आता है, 10 पे आता है। और ओ कितने पे आता है, 15, T20, और वाई 25, ठीक है। तो ये होता है इसका ट्रिक याद करने का। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं भी किसी से, मतलब कि आप अपने मन में इसको रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए कि पी कितने पे आता है, 16 पे आता है। एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। एक्स कितने पे आता है, 24 पे आता है। यू कितने पे आता है, 21 पे आता है। मतलब कि रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, 3 4 बार लिखेंगे तो वो अपने आप क्या होगा, फिट हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं भी याद है, जब हम इसका विपरीत जानेंगे तो विपरीत में हम लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक। अब विपरीत की बारी, हम विपरीत जानने के लिए कुछ और शब्द जान लेते हैं। जैसे विपरीत जानने के लिए ये एक चीज बहुत सोचने की जरूरत है कि ए और जेड, ए का विपरीत क्या हुआ, जेड हुआ। अगर हम इसके नंबर की बात करते हैं तो एक का कितना हुआ, एक हुआ, और जेड का कितना हुआ, 26 हुआ, और ये कितना हो गया, 27 हो गया। तो एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि L का विपरीत क्या होता है, O होता है। L कितने पे आता है, 12 पे आता है। O कितने पे आता है, 15 पे आता है, ठीक। अब ये कितना हो गया, ये भी देखिए 27 हो गया। तो एक चीज यहां से हम लोगों को क्या समझ में आया कि विपरीत का योग कितना होता है, विपरीत का, किसी भी विपरीत का योग कितना होता है, 27 होता है। चाहे कोई भी अक्षर उठा के देख लीजिए, उसका विपरीत निकालेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। ये विपरीत हमेशा कितना योग आएगा, 27 ही आएगा। विपरीत का योग कितना आता है, 27 आता है। अब कुछ शब्दों के माध्यम से हम लोग विपरीत जानने की कोशिश करेंगे कि विपरीत विपरीत कैसे हम लोग अच्छे से जान सकते हैं। जिनको नहीं याद है भाई देख लीजिए, और जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं याद है, शब्दों के माध्यम से, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग, हमारे जहन में है, रोज इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि ये शब्द बड़ा ही यूनिक है और ये विपरीत है, ठीक है। तो आज उसी को हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ शब्द मैं यहां पे लिख रहा हूं, पहले कुछ शब्द है, जैसे कि लव है, LOVE। अब LOVE ये एक ऐसा शब्द है जिसमें दो विपरीत आपस में छुपा हुआ है। एक तो है L, और जिसका विपरीत क्या है, O है, और एक है V, जिसका विपरीत क्या है, E है, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिक शब्द है जिसमें दो विपरीत छुपे हुए हैं। वहीं अगर हम शॉर्ट की बात करते हैं, तो शॉर्ट का क्या होता है, SHIRT को अलग कर दीजिए, ये होता है शॉर्ट का स्पेलिंग। अब इसमें भी, ये भी एक अपने आप में यूनिक शब्द है। यूनिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें भी दो विपरीत छुपे हुए हैं, एक है SH और एक है IR। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो इसका निकाल लीजिए कि कितने पे आता है। एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। एच कितने पे आता है, 8 पे आता है। इसका योग कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। 9 18 कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक। तो शॉर्ट शॉर्ट में SHIR, ये तो तीन विपरीत तो हम लोगों को वैसे ही मालूम चल गया। विपरीत हम लोगों को कितना याद करना है, विपरीत हम लोगों को 13 ही याद करना है, 26 नहीं, क्योंकि 13 का विपरीत तो 13 होगा ही।
तो तीन तो हम लोगों को मालूम चल गया। अब देखिएगा कुछ विपरीत तो आप लोगों को मालूम ही है, जैसे ए का की क्या होता है, जेड होता है, ठीक। बॉय, बॉय लड़का, लड़का जानते हैं बॉय, लेकिन बॉय का स्पेलिंग क्या लिखिए, बी वाई लिखिए, ठीक। मैन मींस क्या होता है, आदमी होता है, लेकिन मैन को पूरा ना लिख करके शॉर्टकट का जमाना है तो एम एन लिख दीजिए, एम एन। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में विपरीत शब्द हैं। जैसे कि कोई कमला पसंद खाता है तो कमला पसंद को वो घर से छुपा छुपा के खाता है तो बड़े ही शॉर्टकट में कहता है, क्या कहता है, केपी कहता है, क्या कहता है, केपी, कमला पसंद, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप में विपरीत हो गया, ठीक। अब देखिएगा क्रैक्स जानते हैं, क्रैक्स एक जो आप जिनके घर में भी छोटे बच्चे होंगे या फिर बड़े भी खाते हैं तो आप लोग भी बच्चे होंगे तो खाते होंगे क्रैक्स। क्रैक्स एक चिप्सी टाइप का है, तो क्रैक्स से याद करिए सी एक्स, क्रैक्स सी एक्स। तो ये भी क्या हो गया, विपरीत हो गया आपस में, ठीक। कहीं जाते हैं आप बाहर तो ड्यू लगा के जाते हैं, क्या लगा के जाते हैं, डीओ लगा के जाते हैं, डीओ। या फिर गर्मी का दिन है तो उसमें आप क्या पीते हैं, या तो स्प्राइट पीते हैं या तो माउंटेन ड्यू पीते हैं, तो माउंटेन ड्यू से क्या याद करिए, ड्यू यानी डी डब्ल्यू। ये भी क्या है, अपने आप में विपरीत है। ई का हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ई का क्या हो गया, भी हो गया। अब क्या हो गया, एफ, एफ फुकरे फिल्म सभी ने देखा होगा, फुकरे, ठीक। तो एफ का क्या हो जाएगा, फुक फुक फुकरे, एफ यू, ठीक है। इसका क्या हो गया, एफ यू, एफ का 6, यू का 21, कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक। तो ऐसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं। आप कौन बता जी, आपके घर में सरकारी नौकरी होगा या फिर आप कोई भी सामान खरीद के आते हैं, किसी भी होटल में जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो कोई चीज खाते पीते या फिर खरीदते हैं तो उस पर बिल देखिएगा, उस पर लिखा रहता है जीएसटी, जीएसटी भी कुछ कटता है, तो जीएसटी से याद करिए। या फिर आप दिल्ली गए होंगे तो जीटी रोड का नाम बहुत सुने होंगे, कौन सा रोड, जीटी रोड। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक विपरीत है, ठीक। तो एफ हो गया, जी हो गया, एच का हम लोगों ने देख लिया, एच का क्या हो गया, एस हो गया, ठीक, एच हो गया। आई का भी देख लिया कि आर हो गया, जे का क्या हो गया, जग, जे का क्या होता है, जग होता है। अब जग के स्पेलिंग देखिए क्या होता है, जग, क्यू का 17, जे का 10, 27। तो जग का स्पेलिंग जे क्यू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कितना बच गया, 1, 2, 3, 4, ये शर्ट में टी को हटा दीजिए, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पूरा हो गया, 13 × 26। अब इसमें देख लीजिए, मैंने पूरा ट्रिक से बता दिया कि कैसे इसको याद करना है, पूरा ट्रिक से। एक बार और देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए एक बार और। लव, लव अपने आप में यूनिक है, L O V E, L का O, V का E, ठीक। शर्ट, शर्ट में S H I R, S का विपरीत क्या हो गया, H हो गया, I का विपरीत क्या हो गया, R हो गया, तो शर्ट यहां से हो गया। आज मतलब A Z, A का सभी को लोगों को मालूम होगा कि पहला है तो आखिरी होगा ही होगा। बॉय, बॉय में B O Y नहीं, केवल B Y, मैन में M A N नहीं, केवल M N, ठीक, मैन हो गया। कमला पसंद केपी, कमला पसंद केपी, कमला पसंद। क्रैक्स सी एक्स, क्रैक्स सी एक्स, क्रैक्स। ड्यू, 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 डी डब्ल्यू, ड्यू। फुकरे एफ यू, एफ यू, ठीक है। जीटी रोड या फिर जीएसटी, जीटी रोड या फिर जीएसटी। जेक्यू, जक, जेक्यू, जक, ठीक। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, हम लोगों ने आज सीखा कि मतलब कि अक्षरों का क्रमांक, कि कौन सा अक्षर किस क्रम पे आता है, साथ ही साथ इसका विपरीत, ठीक है।
तो आई होप ये ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जितना भी है जैसे कि वर्गीकरण परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, सादृश्यता परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण, ठीक है, अब ये जान लेने से और उसको क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है उसको करने में आसानी रहेगा, केवल इतना ही जान लेने से, ठीक है। तो आई होप ये पूरा ट्रिक और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए चैनल पे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।